फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज इमरान एंड यू आर वॉचिंग इमरान ट्रैवलिंग व्लॉग, जो है बेसिकली क्यू एंड ए पे है कि आपके जो भी डाउट्स होंगे या जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तो उनका रिप्लाई मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में देने का। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि या तो कोई ट्रैवल एजेंट हूँ यार, ठीक है, मैं ये वीडियोस बनाता हूँ सो जस्ट नॉलेज बेस पे नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो से किसी ना किसी को गाइडेंस मिल सके या किसी को हेल्प आउट हो सके। ठीक है, तो मेरा ये कहीं वो ऐसा नहीं है कि यार कोई मेरा ट्रैवल एजेंट एजेंसी है या ट्रैवल एजेंट हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो अब लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो एक साहब ने पूछा था ये एक्सपो पासपोर्ट के बारे में। तो देखो भाई, अगर तो एक्सपो पासपोर्ट का फ़ायदा यार ये है, ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। स्टैम्प्स वगैरह लग जाती हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट पवेलियन में विज़िट करते हो, स्टैम्प्स लग जाती हैं और एक आपकी समझ लो कि एक मेमोरी के तौर पे, यादगिरी के तौर पे आप उस पासपोर्ट को संभाल सकते हो कि मैंने इतनी कंट्रीज़ का पवेलियन का विज़िट किया था और ये स्टैम्प्स है मेरे पास, तो एक आपके लिए वो है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें स्टैम्प्स लग जाएंगी कोई ट्रैवल हिस्ट्री में फ़र्क पड़ेगा, तो यार ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यूई में हो तो आप ले लो इसको, अगर आप यूई से बाहर हो तो फिर इसका कोई खास फ़ायदा नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर आप लेना चाहो तो अमेज़ॉन से आप इसको बाई कर सकते हो। और फ़ायदा मैंने आपको बता दी कि खास है नहीं है, लेकिन वही है कि एक आपकी यादगारी के तौर पे आप स्टैम्प्स लगवा लो डिफरेंट कंट्रीज़ के विज़िट करके, तो आप जस्ट ये कह सकते हो कि ये 2020 एक्सपो में मैं क्या था और ये मेरी कुछ यादगारी हैं, यादें हैं, ये है, जो भी आप उसको कर सकते हो। अच्छा, तो एक और आया था क्वेश्चन 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा को लेके। तो देखो यार, इंश्योरेंस जो है ना वो आपको 5 साल की ही लेनी है। ठीक है, क्योंकि आपका वीज़ा जो है वो 5 साल का है, तो आपको जो इंश्योरेंस लेनी होगी वो भी 5 साल की ही लेनी होगी। ठीक है जी, और दूसरा ये है कि आप अगर दुबई से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या अबू धाबी से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो डजेंट मैटर, आप कहीं भी लैंड कर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपने दुबई का वीज़ा अप्लाई किया है, GDRFA से अब वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई किया आपने, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अबू धाबी नहीं जा सकते या आप शारजा नहीं जा सकते या बाकी एमिरेट्स में नहीं जा सकते। नहीं, आपने वीज़ा चाहे अबू धाबी से अप्लाई किया है चाहे दुबई से अप्लाई किया है, एड्रेस आपने कुछ भी दिया है उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आप यहाँ आके इंटर हो के कहीं भी आ जा सकते हैं, चाहे दुबई जाएं अबू धाबी जाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वीज़ा इशू होता है ना तो उसमें एक टाइम फ्रेम लिखा होता है कि ये डेट के अंदर अंदर आपने जो है यूई में इंटर होना है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि उस डेट को ही फॉलो करें, उससे पहले इंटर होने की कोशिश करें, तो फिर ही आपका वीज़ा वैलिड रहेगा। अगर आप उस डेट के बाद अगर आप इंटर होंगे तो फिर ये वीज़ा आपका जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है जी, 5 साल का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो दोनों की या सबकी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, फैमिली का जो भी एक बंदा मेन है, जो भी एक स्पॉन्सर है, उसकी आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं सबके साथ। ठीक है जी, तो ये हो गया चीपस्ट वे से किस तरह दुबई आ सकते हैं। अच्छा देखें जी, चीपस्ट वे से आप दुबई कैसे आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए आना चाह रहे हो। सबसे पहले तो ये बात है, ठीक है, आप 3-4 दिन के लिए आना चाह रहे हो, 1 वीक या 1 मंथ या 3 मंथ, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके स्टे पे। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि आप होटल में स्टे करोगे या किसी रिलेटिव के पास स्टे करोगे या फिर नॉर्मल कोई बेड स्पेस ले लोगे। तो मेन चीज़ यहाँ पे जो कॉस्ट आती है वो आपकी टिकट की आती है, तो टिकट आप कोशिश करें थोड़ा सा ऑफ सीज़न में लेंगे तो आपका जो टूर की कॉस्ट आपको कम पड़ सकती है। ठीक है, तो कोशिश करें आप एडवांस में 1-2 महीना पहले का टिकट अगर ले लेंगे, जो कि यहाँ पे बजट एयरलाइन है जैसे कि एयर अरेबिया है या फ्लाई दुबई है, ठीक है, इनके मोस्टली टिकट जो हैं वो नॉर्मल प्राइस में मिल जाते हैं, पाकिस्तान से स्पेशली डायरेक्ट आ जाती हैं इनकी फ़्लाइट्स, आप इनके थ्रू अगर आप कोई भी टिकट ले लेते हैं तो आपको सस्ता भी मिल जाता है, और 1-2 महीने पहले का अगर आप बुक कर लेंगे तो सस्ता भी मिल जाएगा टिकट और आपको जो है टूर की कॉस्ट भी कम रहेगी। कोशिश करें जब आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो रिटर्न टिकट लाजमी कराएं, क्योंकि रिटर्न टिकट ही आपका जो है वहाँ चेक किया जाता है।
एक साहब ने पूछा था कि मुझे इंश्योरेंस कौन सी बाय करनी चाहिए, तो आप जो है ट्यून इंश्योरेंस बाय कॉस्मो वो बाय कर सकते हैं। उनसे आप जो है इंश्योरेंस ले सकते हैं, 5 साल वीज़ा के लिए भी, 3 महीना का जो वीज़ा होता है उसके लिए भी, या 1 महीने का जो वीज़ा होता है उसके लिए भी आप इंश्योरेंस जो है वो बाय कर सकते हैं, ट्यून इंश्योरेंस बाय कॉस्मो। ठीक है, मज़ीद आपको कोई भी मेरी तरफ से मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। असल में यार देखो, मैं भी जॉब करता हूँ, ठीक है, तो आई एम रियली सॉरी, मैं ये काफ़ी टाइम से जो आप लोगों के कमेंट्स आए हुए थे तो मैं रिप्लाई नहीं कर सका क्योंकि मैं बिजी था थोड़ा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि वीकली एक जो है Q&A पे एक वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा। आप लोगों के जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं उनका पूरी कोशिश होगी कि वंस इन अ वीक एक वीडियो अपलोड करूँ, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप वॉचिंग इवान ट्रेवलिंग ब्लॉग्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी, और अपना ख्याल रखें, ढेर सारा प्यार जी, टेक केयर, लव।